नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आज हम इस बुलेटिन में ये बात करेंगे कि भारत में कोरोना की स्थिति क्या है, क्यों इतना संक्रमण फैलता जा रहा है, इसके बाद भी लोगों में डर नहीं है, भय का माहौल नहीं है, जबकि कोरोना के केस रोज 80,000 90,000 इसके आसपास ही इसी के बीच में सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला आज हम जो बात करेंगे, पहले अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे मुंबई से सामने आए उस वीडियो के बारे में जिसने ये पोल खोल कर रख दी है कि मुंबई में आखिरकार लोगों में कोरोना का डर क्यों नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं मेंटेन किया जा रहा है। मुंबई में लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए तो बंद है, इसके बावजूद इतनी भीड़ उसमें क्यों देखने को मिल रही है, इस सब विषयों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट की। आपको बता दें कि इस समय देश में 59 लाख के आसपास संक्रमित पहुँच चुके हैं और 93,000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस संक्रमण से। पिछले 24 घंटे में 85,362 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और इस दौरान 1,089 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही आपको ये भी बताना जरूरी है कि इस समय देश में 59,03,933 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और अब तक 93,379 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि बात करें अगर एक्टिव मामलों की तो देश में लगभग 9 लाख एक्टिव मामले हैं और 48,49,000 के करीब लोग इस बीमारी से अब तक पूरे देश में ठीक हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा आज का इस वीडियो में मुद्दा है वो ये है कि मुंबई में आखिर कोरोना वायरस को लेकर इतनी लापरवाहियां क्यों बरती जा रही हैं। किसी से भी आप पूछिए, किसी मुंबई में रहने वाले से, तो आपको बता देगा कि मुंबई में इस समय कोरोना के प्रति लोगों में लापरवाहियाँ बेहद गंभीर तरीके से बरती जा रही हैं। लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और लोगों के अंदर से एक तरह से अब भय खत्म हो चुका है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पूरी तरह से मार्केट का खुल जाना, ऑफिस खुल जाना और उसके बाद स्थिति का कंट्रोल ना हो पाना, यही वजह है कि आज मुंबई में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ताज़ा मामला सामने आया है मुंबई के रेलवे स्टेशन का, जिसमें आप मुंबई की लोकल ट्रेन को देख सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मुंबई का ये लोकल ट्रेन का वीडियो है। इस वीडियो में किस तरह से ट्रेन के कोच में, यानी कि ट्रेन के डिब्बे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हाल तब है जब मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए अभी भी आम लोगों को परमिशन नहीं है। इसेंशियल सर्विस यानी कि जो मेडिकल से जुड़े लोग हैं या अन्य जो इसेंशियल सर्विस में आते हैं उनसे जुड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों को अभी यात्रा करने की छूट है। इसके बावजूद ये भीड़ ये दिखाती है कि मुंबई में लापरवाहियाँ किस कदर बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि 2 वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो मुंबई के लोकल ट्रेन के हैं। एक वीडियो तो मुंबई के लोकल ट्रेन में महिला डब्बे का है। इस महिला डब्बे के वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग मास्क पहने हुए हैं, इसके बावजूद यहाँ पर एक कहले मजबूरी है या फिर लापरवाही है ये भी कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले, इस वीडियो के सामने आने के बाद, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए कि इस पूरे वीडियो में आखिर किस तरह की कंडीशन बनाई गई मुंबई के लोकल ट्रेन में। अब इस वीडियो के बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुंबई में कोरोना की स्थिति क्या है, महाराष्ट्र में स्थिति क्या है। आपको बताऊं कि कोरोना के संक्रमण के 1,876 नए मामले मुंबई से सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा मुंबई में 1,94,177 पहुंच गया है। इसके बावजूद ये हाल है मुंबई का, ये लोकल ट्रेन का जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके बाद का हाल है। ये ताज़ा वीडियो है, लोग इस वीडियो को लेकर आक्रोशित हैं। लेकिन मुंबई में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब मुंबई में भारी बारिश हुई थी और ट्रेन का परिचालन रोकना पड़ा था। उसके बाद स्टेशन पर भारी मात्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ट्रेन आई, लोग अचानक उसमें घुस गए और ये भीड़ का वीडियो उसी दिन का है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भीड़ इकट्ठा होती है, कोई किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है, तो इसे निपटने की चुनौती किसकी है, इसे निपटना किसे है, इसको मेंटेन कराना किसे है। तो ये लापरवाही का वीडियो सामने आया मुंबई से, जहाँ पर भारी मात्रा में कोरोना के केस भी सामने आ रहे हैं और इसके बावजूद वहाँ पर लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं। आपको यहाँ बताना ये भी जरूरी है, कुछ आंकड़े भी हैं बीएमसी के मुताबिक, कि मुंबई में फिलहाल 28,273 मरीज एक्टिव हैं
इसके साथ ही शहर में 10,57,00,000 जो सैंपल है उनकी जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही मुंबई में 686 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि जिनको कंटेनमेंट जोन में डाला गया, जहां से आने जाने या फिर वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब संसद बंद हो सकती है इस बात के लिए कि कोरोना के केस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर कोरोना के इतना, एक तरह से एक समय ऐसा था कि मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट था, वहाँ पे बड़ी मात्रा में केस निकलकर सामने आ रहे थे, इसके बावजूद अब जब लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए बंद है, उसके बावजूद ट्रेन का ये हालत ये दिखाता है कि वहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं।